हॉन्टेड हाउस जैसा लग रहा है ये, मैं सब चीजें जी चैनल, आई होप यू आर ऑल ऑफली फाइन। तो आज का जो व्लॉग है बहुत ही आम व्लॉग है, आई मीन आम व्लॉग है। आई एम जोकिंग। आज के व्लॉग में जो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, आई एम श्योर दैट आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे कि नहीं देखे होंगे। तो आज के व्लॉग में हम लोग दिखाने वाले हैं घर। क्या घर? मिट्टी का घर। ये जो पूरा घर है पूरा मिट्टी से बना हुआ है। एंड आप लोग शॉक हो जाओगे ये सुन के कि ये दो फ्लोर है, ऊपर एक फ्लोर नीचे एक फ्लोर। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये भी पहले मिट्टी का बना हुआ था, ये अभी सीमेंट का बना हुआ है, नया बनाया गया है, अभी भी पूरा बाकी है यहाँ पे। मतलब ये शायद रहेगा या ना रहेगा इन फ्यूचर में नहीं पता, पर ये अभी भी ये मिट्टी का है, ये मिट्टी का है, वो मिट्टी का है। एंड उधर भी ये पूरा, ये जो है पूरा मिट्टी का बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को ऐसे ही दूर से नहीं दिखाऊंगा, पास में जाकर भी दिखाऊंगा। एंड मैंने तो क्या कर रहा है, हाँ पहले ही बोला था ना आम ब्लॉग है, आम पढ़ने दे मुझे। आम तो रहा है नहीं, वाह मैनाक जुगाड़ लगा रहा है अपना, देसी जुगाड़। अभी तक नीचे एक चला गया है, छह अभी तक पांच हुआ है, नीचे एक गिर गया। यहाँ से पूरा मार्ट दिखता है, पूरा गांव दिखता है, दूर दूर तो देख रहे हो पूरा गांव दिख रहा है पूरा। यहाँ पे पहले नदी हुआ करती थी यहाँ से छोटा वाला, पर अभी सूख गया, पर फिर भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी अभी तक है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, मतलब यहाँ पे पहले पकता था, यहाँ भी गैस आज आ गया है, सो अलग आ गया बेडरूम में। और ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है, क्या बना हुआ भाई बचपन में। ये भी एक घर है, बेडरूम है ये, और मौसी रहता है ऊपर, तो मेंटेनेंस कम की वजह से ऐसे हो गया है। देखो दूर नहीं निकल जाए, स्टेयर्स भी मिट्टी का बना हुआ है। ये हाल हो चुका है, कोई नहीं रहता। ओ यार स्पाइडर ने,
लगता है। इस घर के छत पे था मैं और वो देखो नाइट फ्यूरी है सामने वहाँ पे। आ जाओ मैंने खुद घर में जाते हैं। यहाँ पर भी यहाँ पर भी कुछ नहीं है। ये ऊपर भी जाने का एक स्टोर रूम जैसा है, गुप्त नहीं है। यहाँ पे सब चीजें हॉन्टेड हाउस लग रहा है। ये मैं सब चीजें बिल सी पूरे बिरल सी लग रहा है। यहाँ पे सब स्टोर रूम जैसा है, यहाँ पे सब सामान रखा गया है पर अभी यूज नहीं होता, अनयूज सामान ही रखा गया है। यहाँ पे जो ऊपर का सीलिंग है पूरा हॉन्टेड हाउस जैसा लग रहा है। और देखो आप पूरा स्टेयर्स जो है पूरा पूरा मतलब ये जो पूरा घर है ना हाइट ना रॉड से बना गया है, सिर्फ मिट्टी से बना गया है ये। चलो अभी ये चलते हैं। मोना कुछ हेल्प कर रहा है लाइट दिखा के। ये जो दिख रहे हैं आप ये इस स्टेयर्स के नीचे भी है। ये इससे क्या होता है स्ट्रेंथ बढ़ता है। ऐसे वहाँ पर रॉड लगता है हमारा बिल्डिंग में और यहाँ पे वो भी मिट्टी का घर है और एक मामा का घर है टूट गया है तो इसलिए वहाँ पे नया घर घर बन रहा है। और गांव में रहने का एक सुविधा है, आप जो चीज चाहे अपनी मिट्टी को लेकर अपनी बॉडी बना सकते हो। क्या एक्सप्रेशन है नहीं करेंगे दिया। ये रास्ता भी लाल मिट्टी से बना है से लेके। आई होप यू आर इंजॉइंग क्योंकि ये जो चीज़ है हमेशा देखने को नहीं मिलता। मैं ये चीज़ हमेशा हमेशा के लिए कैप्चर करके रखना चाहता था क्योंकि ये जो मिट्टी का घर हमेशा रहने वाला। आप लोग देख ही चुके होंगे एक मिट्टी का घर तोड़ के ऑलरेडी एक परमानेंट घर बना दिया गया है। सो मैं ये चाहता था इन फ्यूचर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसको नहीं पता भी नहीं होगा कि ये मिट्टी का घर भी बनता था। सो इसलिए मैं कैप्चर करके रख रहा हूँ। इन फ्यूचर किसी को दिखाना होगा तो मैं ऑब्वियसली मैं मेरा ब्लॉग देख के वो दिख जाए समझ में आ जाएगा। सो आज हम लोग कोलकाता वापस लौट जाएंगे क्योंकि हम लोगों को जाके बहुत सारा काम भी है एंड हम लोग यहाँ पे 2 दिन से है इसलिए हम लोगों को लौटना पड़ेगा। मम्मी पापा कल चले गए थे क्योंकि आज मेरे बहन का एग्ज़ाम थी इसलिए नानी तो बहुत बोल रहा है आज रुकने के लिए पर नहीं होगा काश टाइम होता। इसलिए ना बड़ा होना नहीं चाहिए, छोटा रहने से कोई टेंशन भी नहीं रहता और काम भी नहीं रहता जो कि पॉसिबल नहीं है। चलो मिलते हैं रास्ते पर। हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग दूसरे दिन जा रहे हैं कल शाम को। नानी ने बहुत बोल रहे रुकने के लिए बोल रहा था तो हम लोग रुक गए, टाल तो नहीं सकते इसलिए हम लोग अभी सुबह के 7 बज रहे तो हम ही अभी हम लोग निकले हैं कोलकाता के लिए। ऑल गुड, चलो चलो लौटते हैं घर। फर्स्ट हॉल एक्चुअली फर्स्ट हॉल नहीं है एक्चुअली हम लोगों को पसंद है शेर पंजाब की चाय तो इसलिए ढाबे पर रुके हैं। मोइना वॉशरूम में गया है एंड अभी निकलेंगे चाय पी के। सो अभी 10:30 बज रहा है एंड मैं अपने घर पे हूँ। मैंने अपने घर पे चला गया है अभी लौट गया हूँ। बहुत सारा काम भी है ऑलरेडी ऑफिस से, कल रात को ही फ़ोन आ गया था कि कब मैं लौटूंगा तो व्हाटएवर।
सो जितने दिन भी नानी के घर में था बहुत ही मस्ती में गुजरा, एंड महीना साथ में था तो हम लोग बहुत मस्ती किए। और एक ख्वाहिश था बचपन की बिशिंग गांव जाने की, तो वो भी पूरा हो गया, एंड आप लोग भी शायद इंजॉय किए होंगे। सो इतना ही था आज के लिए, अभी मैं फ्रेश होऊंगा एंड ऑफिस के काम थोड़ा है तो निकलूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड नए हो चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना, एंड इफ़ यू ऑलरेडी माई सब्सक्राइबर प्लीज़ कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये वीडियो। बेसिकली ये जो मिट्टी का घर है आप लोगों को कैसा लगा, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन साइनिंग ऑफ, वेट यू।